अस्सलाम वालेकुम, बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ बट, इसको उजड़ी भी कहते हैं और बट भी कहते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने 4 से 5 पानी से उसको अच्छी तरह धो लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट और पानी डाल के उसको उबालने के लिए रख दूँगी। चलें स्टार्ट करते हैं। पानी डालती हूँ अब मैं इसके अंदर। देखें पानी मैंने इतना लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी। हल्दी मैं ले रही हूँ 1/2 चम्मच, ये डाल दी मैंने। अब मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, ये देखें बड़ा चमचा मैंने डाला है। अब मैं इसको पानी में उबाल आ जाएगा, कम से कम पानी में उबाल आने के बाद मैं 10 मिनट तक इसको पकाऊंगी और सारा पानी इसका फेंक दूंगी ताकि इसकी जितनी स्मेल है, बेसैंद है, वो सब ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं दोबारा कुकर धोऊंगी, दोबारा इसको वॉश करूंगी। वॉश करने के बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ, ठीक है? जब तक देखते हैं उसको उबाल आता है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। देखें जी, बट हमारी अच्छी तरह उबल चुकी है। अब मैं इसका पानी सारा फेंक दूंगी और फिर बाकी आपको बता दूंगी। अच्छी तरह उबल गई है। उबाल आने के बाद मैंने इसको 10 मिनट और उबाला है ताकि इसका अच्छी तरह जो बेसन वगैरह है और जो चुभी चुपका हुआ है, बेसन को मैंने अच्छी तरह धो ली है। चलें अब मैं इसको पानी, इसको दोबारा सारा पानी फेंक देती हूँ और धो के फिर मैं आपको बताती हूँ। देखें कुकर को मैंने अच्छी तरह धो लिया है। धोने के बाद भी इसमें डालूंगी अब धुली हुई दोबारा बट। पानी मैंने हल्दी अदरक लहसुन का दोबारा फेंक दिया था, कुकर धोया, दोबारा बट धोई। बट धोने के बाद मैंने ये सारी इसमें डाल दी। डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। ये मैंने पानी ऐड कर दिया इसमें, ठीक है? पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 चम्मच बड़ा वाला भर के डाला है और थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी, इतना, ठीक है? ये डाल दिया। 3 से 4 टमाटर ये ऐड कर दिए, 4 दरमियाने साइज की प्याज ये ऐड कर दी, सही। और नमक थोड़ा हम कम डालेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पकती है, 3 से 4 घंटे। चलिए नमक ऐड कर दिया मैंने इसमें। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूंगी हल्दी, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हल्दी चली गई। अब मैं डालूंगी इसमें पिसी हुई मिर्चें। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा, जितनी आप खाती हैं, 1 चम्मच, और ये 2 चम्मचे, और थोड़ी सी और ऐड करूँगी, 2.5 चम्मच मैंने मिर्चों को डाला है, ठीक है? अब डालूँगी मैं इसमें धनिया पाउडर। और इसको छोड़ देंगे हम हल्की आंच पे पकने के लिए, ठीक है? धनिया पाउडर वैसे पिसा हुआ डालती हूँ मैं हर चीज़ में, लेकिन मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया कुटा हुआ क्योंकि उसका टेस्ट अलग होगा। ये मैंने धनिया पाउडर कुटा हुआ डाल दिया 1 चम्मच, और ये 2 चम्मचे, क्योंकि कुटे हुए धनिया से सौंधापन आता है, सही। अब इसको अच्छी तरह चलाऊँगी। अच्छी तरह चलाया मैंने इसको। पानी में इसमें और ऐड करूँगी। पानी में और ऐड कर दी हूँ इसके अंदर, पानी मुझे कम लग रहा है। चल पानी मैंने ये और डाल दिया, ठीक है? अब ये इसी पानी में पकती रहेगी हल्की आंच से। अभी मैं इसका कुकर का ढक्कन बंद करूंगी सिर्फ कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक है?
तो इसको छोड़ दूंगी मैं हल्की आंच पे पकने के लिए। ये कुकर मैंने कर दिया बंद, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद। अच्छा जी, अब मैंने 15 मिनट के बाद मैं कुकर खोल रही हूँ अपना। ये देखें, इसमें अच्छा खासा पानी हैगा। अब मैं इसको पकाऊंगी हल्की आंच पे, ठीक है। चूल्हे की कर दी है मैंने हल्की आंच और मैं इसको पकाती हूँ हल्की आंच पे, ढक्कन ढक रही हूँ इसका, ठीक है। अच्छा जी, बट हमारी भुनाई पे आ चुकी है, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं करूँगी इसकी भुनाई बहुत अच्छी, देखें। और बट हमारी बहुत अच्छी गल चुकी है। अब मुझे बहुत अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है। इसमें डालना है हरी मिर्चें, हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला। पहले हम करते हैं भुनाई बहुत अच्छी इसकी, ठीक है। चूल्हा मैं तेज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, देखिए माशाल्लाह से बट हमारी भुनाई हो रही है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चें। मैंने दोनों ली हैं, छोटी और मोटी वाली, ये ऐड कर दी। थोड़ा सा डालूंगी इसमें हरा धनिया, बाकी मैं गार्निश भी डालूंगी जब गार्निश डिश आउट करूंगी। हरा धनिया डाल दिया मैंने इसमें थोड़ा सा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं मुझे कि बट किस किस को पसंद है। हमारे घर में तो खैर सबको पसंद है ऑलरेडी। और अब मैं डालूंगी पिसा हुआ गर्म मसाला आधा टी स्पून और आधा डालूंगी दम पर। आधा चम्मच मैंने गर्म मसाला ऐड कर दिया। अभी इसकी और करनी है भुनाई। कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि बट किस किस को पसंद है, बट यानी कि ओजड़ी किस किस को पसंद है, लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है वो भी लाजमी बताइएगा मुझे। अभी कम से कम इसकी 5 से 6 मिनट भुनाई और होगी। ऐसा ऐसा ऑयल ऊपर आ रहा है इसका, देखें। हरा धनिया ऐड कर दिया, हरी मिर्चें ऐड कर दी, आधा टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया है अभी भुनाई पर। अभी ये 5 से 7 मिनट और भुनाई होगी, ठीक है। देखिए हल्का हल्का ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा। और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि ना बट किस किस को पसंद है। हमारे यहाँ इसके साथ उबले हुए चावल ही बनते हैं और रोटी से भी खाई जाती है। वैसे तो खैर ये भुनी भुनी बनती है। अच्छा जी, देखें सालन हमारा बहुत अच्छे तरीके से बट का सालन भुनाई हो चुका है। अब मैं कर रही हूँ इसकी हल्की आंच। हरा धनिया, हरी मिर्चें मैंने डाल चुकी हूँ। आधा टीस्पून मैंने गरम मसाले का ऐड किया है। अब मैं कर दूंगी इसकी बिल्कुल हल्की आंच, ठीक है, ताकि ऑयल ऊपर आए इसका। बाकी मैं 5 से 7 मिनट के बाद आपको बताती हूँ। चूल्हा मैं बिल्कुल कर रही हूँ स्लो, चूल्हा मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। मिलती हूँ आपसे 5 मिनट के बाद। चलिए जी, सालन हमारा दम हो चुका है। अब देखते हैं, देखें आप माशाल्लाह से ऑयल ऊपर पूरा आ चुका है इसके। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, मज़ेदार बट तैयार है। लाजमी एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़े की बनती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे। अल्लाह पाक आपके घरों में खैरियत आफियत रखे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।